जानना चाहूंगी कि बच्चा ऑब्वियस इस फिल्म से जुड़ी और खासकर इस गाने से जुड़ी आपकी खट्टी मीठी बातें यादें आप तरोताजा करें। खट्टी बातें तो कुछ नहीं है, सारी बातें मीठी हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है। बहुत अच्छा, हमारे को धनराज जी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, भाटी जी का शुक्रिया अदा करूँगा, शुक्ला जी का और पूरी युवा की टीम का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारे को इस काबिल समझा और हमें ये चांस दिया कि आज हम यहाँ खड़े होंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मीडिया का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा मीडिया इस फिल्म के बारे में जितना हो सके इस फिल्म को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान अपना दें और बस इस थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बिल्कुल सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो आप सबका साथ तो पहले बनता है। ओह माय गॉड। ओके एंड अब थैंक यू सो मच। अभी और आगे बढ़ाते हैं, ढेर सारे सरप्राइजेस सबके लिए, खासकर हमारे जितने फ्रेंड्स पीछे हैं ये लॉन्चिंग, बट ऑब्वियस हम सबके साथ आपके लिए, ताकि आपकी बात बट ऑब्वियस पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचनी है। और अब भाई कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत के मामले में सबके जुदा जुदा ख्यालात होते हैं। मेरा क्या मानना है बताओ, इजाजत है? हाँ तो बोलिए यार। ओके मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, कहते हैं कि इश्क के चर्चे बहुत हैं, हुस्न के चर्चे बहुत है। आपने देखा इतनी, मतलब क्या बात है, प्रिंसेस जैसी, हमारी डॉल जैसे, सारे जितने भी लीड एक्ट्रेस हैं। सो कहते हैं कि इश्क के चर्चे बहुत हैं, हुस्न के चर्चे बहुत हैं, इश्क करके देखा है, इश्क में खर्चे बहुत हैं। क्या बात है, अभी ज्यादा तालियां आ रही है, ये मेरा एक्सपीरियंस है शायद। हाँ ये बात इसलिए कही क्योंकि एक और बहुत ही प्यासा गाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट राशिद जी ऑन स्टेज प्लीज। राशिद जी कहाँ हैं आप? इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गाना भी कुछ ऐसा है, इश्क फोबिया। ओ माय गॉड, क्योंकि अभी मैंने गाना सुना नहीं है बट आई एम वेरी क्यूरियस, क्योंकि लिरिक्स भी ऐसे हैं और खासकर इनके सिंगर मोहम्मद इरफान जी यहाँ मौजूद है, राइट? सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज प्लीज, जोरदार तालियां प्ले बैक सिंगर मोहम्मद इरफान के लिए। और मीन बाय कुछ धमाल करते हैं स्टेज पे। या ओके वो आ गए, पर क्या बात है, प्लेबैक सिंगर आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गा के सुनते। आर यू रेडी? यस, कैन वी हैव माइक प्लीज? गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर एंड बहुत ही खूबसूरत गाना मैंने गाया है इस फिल्म में और राशिद भाई ने बहुत बहुत अच्छा कंपोज किया है। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग और उम्मीद करता हूँ कि ये गाना जब ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो लोग बहुत पसंद करेंगे इस गाने को। मैं चाहूँगा राशिद भाई पहले गाने के बारे में कुछ बताएं, फिल्म के बारे में कुछ बताएं, देन आई विल सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ द सॉन्ग। ये गाना इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, मोहम्मद भाई ने इतना अच्छा गाया है, जैसे इनके ऑल सॉन्ग्स हिट हुए, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ इश्क फोबिया भी आप लोग पसंद करें, बहुत ही खूबसूरत गाना है इसमें। जी भाई फिर सिंगर मेरे साथ है। हाँ भाई, ये गाना कुछ ऐसे शुरू होता है, मैं चाहूँगा कि राशिद भाई मेरे साथ गाएं। चढ़ा है जो दिल पे असर अब उतर न पाए, मरने का जी करे क्यों हाँ जिया न जाए, है लाल रंग तो इश्क का नैनों को लाल ही भाए, जहाँ देखूं लाल 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 ही दिख जाए, लाल ही दिख जाए, है इश्क में लाखों खूबियाँ, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया। थैंक यू। ये गाना हम लोग राज साहब से करने वाले थे लेकिन मैंने डायरेक्टर साहब को बोला मोहम्मद भाई बहुत अच्छा गाएंगे ये, माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने है, तो मैं चाहूँगा वो विजुअल के साथ देखें आप लोग।